गाइस तो आज हम लोग का लखनऊ में सेकेंड डे है और पहले पार्ट आपने देखा था कि नाइट में हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया है लखनऊ की ज़ू जाने का। तो चलते हैं आपको और दिखाते हैं कैसा है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ ज़ू घूमने के लिए और इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको ये भी दिखाते रहेंगे कि कैसी है लखनऊ सिटी। तो चलते हैं गाइस। यह है लखनऊ का हाई कोर्ट और इस समय है हम लोग लखनऊ के हाई कोर्ट रोड पे, और यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे लोहिया पाथ रोड पे और वहाँ से सीधा गोमती ब्रिज होते हुए हम लोग लखनऊ ज़ू की तरफ जाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, फिर मैं आपको सीधा ज़ू पे जाके दिखाता हूँ। यह है लखनऊ का लोहिया पाथ रोड और इस समय हम लोग हैं लखनऊ के नेशनल हाईवे 28 पे, और ये ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है गाइस। मतलब ये ब्रिज मुझे बहुत पसंद आया था और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, तो बस हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने ही वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये है लखनऊ का समता मूलक चौक और ये रहा गाइस लखनऊ का गोमती ब्रिज। और ये अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाइट में विज़िट करिए, क्योंकि ये नाइट में बहुत खूबसूरत लगता है। और लखनऊ ज़ू जो है इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ ज़ू, और चलिए टिकट वगैरह लेते हैं और फिर अंदर चल के आपको दिखाते हैं लखनऊ ज़ू का व्यू कैसा है। सो गाइस फाइनली हमने टिकट ले लिया है और चलिए टिकट चेक कराते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं अब लखनऊ ज़ू में, और तो यहाँ पर जो सबसे पहला बाड़ा है वो जिराफ का है, तो चलते हैं उसके बाड़े के पास और आपको दिखाते हैं। ये रहा लखनऊ ज़ू का स्वैम्प डियर जिसे हम लोग बारहसिंगा भी बोलते हैं। ये लखनऊ ज़ू में एक छोटा सा ताल भी बना है जिसमें हम लोग बोटिंग कर सकते हैं, और ये है चीतल जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पॉटेड डियर भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एंटर किया हाउस हाउस में, और इसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक चीज़ तो नहीं थी, बस इसमें एक ये पॉक्यूपाइन देखने लायक था और बाकी जो इसमें आउल्स रखे हुए थे तो वो हम लोग डेली लाइफ में देखते ही हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शॉट्स नहीं लिया। फिर इसके बाद हम लोग इससे बाहर आ गए। इसके बाद हमने एंटर किया फिश हाउस में, तो इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ रखी हुई थी, तो आइए आपको दिखाते हैं। फिर हम लोग फिश हाउस से बाहर आ गए, और इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये ऑस्ट्रिच है। ये लखनऊ ज़ू में स्टेट म्यूज़ियम के पास रखा हुआ एक इंडियन एयरफोर्स का एरोप्लेन है जिसको बहुत टाइम से यहाँ पे रखा गया है। फिर हम लोग गए बब्बर शेर के बाड़े के पास, तो बब्बर शेर तो यहाँ पे बाहर नहीं था, बस ये शेरनी बाहर थी लेकिन वो भी सोई हुई थी, तो हम लोग उसका शॉट ज़्यादा नहीं ले पाए।
और इनमें सिर्फ बर्ड्स रखे हुए गाइस, लेकिन वो भी ज़्यादा विजिबल नहीं थी, तो शॉट्स में थोड़ी बहुत ही बर्ड्स आ पाए हैं। और इस तरह लखनऊ ज़ू में कई सारे बोट्स लगे हुए हैं जिसकी मदद से आप पूरे लखनऊ ज़ू में घूम सकते हैं, क्योंकि लखनऊ ज़ू बहुत बड़ा है तो इसलिए इनको लगाया गया है। और ये मुझे लखनऊ में बहुत ही खूबसूरत लगा। और इसके बाद हम लोग गए प्रकृति शिक्षण केंद्र में, जिसमें लखनऊ की बहुत सारी हिस्ट्री को मतलब इकट्ठा करके रखा गया है, और इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से हिस्ट्रीज हैं। ये बोर्ड फिर से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको देख के हम लोग अब जाएंगे स्नेक हाउस की तरफ, और चल के आपको दिखाते हैं इसमें कौन कौन से स्नेक रखे हुए हैं। और सबसे पहले हमें मिला इसमें रसल वाइपर, तो और इसमें ज़्यादा स्नेक नहीं रखे हुए हैं, इसमें सिर्फ पायथन ज़्यादा रखे हुए हैं, तो जो जो स्नेक हमें मिलेंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। और ये है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। इसके बाद हम लोग गए 3D शो देखने, और जो कि सच में बहुत ही बेकार था। अगर आप लखनऊ ज़ू घूमने आए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो आप यहाँ का 3D शो बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि सच में ये बहुत ही बेकार है। कुछ ऐसा था यहाँ का 3D शो जो कि हम लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था देखने में, और सच में ये वेस्ट ऑफ मनी है। इसके बाद गए हम लोग लखनऊ के स्टेट म्यूजियम में, वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने टिकट ले लिया, और टिकट लेने के बाद जैसे हम लोग अंदर गए तो हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, तो वहाँ के गार्ड ने हमें मना कर दिया क्योंकि हम लोग वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं लखनऊ ज़ू घूमने, तो आप लोग यहाँ के स्टेट म्यूजियम में ज़रूर जाएँ। तो यही था लखनऊ का ज़ू गाइस, और इसको घूमने के बाद हम लोग वापस अपने घर की तरफ चल दिए, क्योंकि हमें लेट हो रहा था, क्योंकि हमारी गोरखपुर की ट्रेन थी 4 बजे। तो लखनऊ का ज़ू बहुत बड़ा है गाइस, और अभी हम लोग पूरा लखनऊ का ज़ू विज़िट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, और इतना ही घूमते घूमते हमें 2 से 3 घंटे लग गए थे, और अभी हम लोग ज़्यादा लेट करते तो हमें ट्रेन मिस हो जाती, इसलिए हम लोग ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाए लखनऊ ज़ू में। तो दोबारा अगर हम कभी यहाँ आएंगे तो ज़रूर आपको पूरा विज़िट करके दिखाएंगे लखनऊ के ज़ू। और अगर आप लखनऊ ज़ू कभी घूमने हैं तो ज़रूर पूरा घूमें, क्योंकि लखनऊ का ज़ू बहुत ही खूबसूरत है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं गाइस, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।